नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 6:57 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कल रात 8:21 तक रहेगी। आज संकष्टि श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज रात 11:12 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:36 तक स्वाति नक्षत्र रहने वाला है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और शाम 6:38 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 29 मार्च की रात 8:36 से अगली सुबह 5:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अप्रैल की सुबह 10:21 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 10 अप्रैल की सुबह 9:46 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 अप्रैल की शाम 4:14 से शाम 7:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 अप्रैल की शाम 6:59 से शाम 7:52 तक, और एक बार फिर रात 10:11 से देर रात 12:26 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अप्रैल की रात 11:12 से देर रात 2:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अप्रैल की सुबह 10:21 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 30 मार्च की देर रात 3:41 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:31 तक। मुंबई दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:33 तक। लखनऊ
दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:16 तक, भोपाल दोपहर 1:57 से दोपहर बाद 3:29 तक, कोलकाता दोपहर 1:14 से दोपहर 2:46 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:16 से दोपहर 3:48 तक, चेन्नई दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ी सी मेहनत करके उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन बेहतर है। आज अपने आसपास के लोगों के इरादे आसानी से समझ जाएंगे। आज बड़े पदों पर बैठे लोगों से कांटेक्ट हो सकता है। आप अपने काम में सामाजिक संपर्कों का फायदा उठाने में सफल हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका ध्यान अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा। घर में धार्मिक समारोह का आयोजन कर सकते हैं, इससे घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र का वातावरण अनुकूल बना रहेगा। सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। ऑफिस के काम में आपको बॉस से वाहवाही मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज पारिवारिक मामलों को लेकर थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोई पुरानी बात परेशानी पैदा कर सकती है। कोई व्यक्ति आपके लिए उलझन बन सकता है। आज संतान से सुख मिल सकता है। आज दोस्तों से होने वाली कुछ जरूरी मुलाकातें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। किसी नए काम की शुरुआत करने पर परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रहेंगे। शयन कक्ष का रंग हल्का गुलाबी या हल्का हरा रखें। दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। किसी काम में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अधिकारियों की मदद से काम निपटा लेंगे। जोश में आकर कोई ऐसा काम न करें जिससे आप परेशान हो जाएं। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आज जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा वादा कर सकते हैं जिसे पूरा करने में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। आज आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है। आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। आज किसी काम से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। कुछ निजी कामों में भाई का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। इस राशि के विवाहित आज किसी अच्छी जगह पर पिकनिक के लिए जा सकते हैं। जीवन साथी से आपको कोई खूबसूरत तोहफा मिल सकता है। आज उन लोगों से बातचीत करने के लिए अच्छा दिन है जिनसे आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। जीवन साथी के मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। अचानक धन लाभ हो सकता है। आज शाम को किसी समारोह में शामिल होंगे। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन यादगार रहेगा। किसी जरूरी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई दोस्त आज आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आप पूरे लगन से काम करेंगे। आज के दिन गाय को गुड़ खिलाइए। जीवन में दूसरों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज किसी पर गुस्सा करने से बचें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस राशि के भाई बहनों के संबंधों में मजबूती आएगी। दूसरों के साथ जुड़कर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
आज किस्मत का साथ मिलने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। जरूरत से ज्यादा भावुक होना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा। घरेलू समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। आज जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। इस राशि के छात्रों को आज किसी पसंदीदा कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। आज ऑफिस में कुछ नया काम करेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। इस राशि के भाई अपनी बहनों को कोई ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। आज दोस्तों की मदद से धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर बना रहेगा। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई में मन लगेगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज सॉल्व हो जाएंगे। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आएंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको सुख प्राप्त होगा। आज किसी खास काम के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामले में आपको लाभ मिलेगा। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आज लोग आपकी बात से सहमत होंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। आपकी सोच में नयापन आ सकता है। आपका ध्यान नियमित कामकाज को निपटाने पर ज्यादा रहेगा। आज आप अच्छे मूड में रहेंगे। आज के दिन मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए पानी भरकर रखें। आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज के दिन करियर में नया बदलाव आएगा। सेहत बेहतर बनी रहेगी। कुछ नए वर्कआउट को नियमित एक्सरसाइज में शामिल करेंगे। इस राशि के भाई अपनी बहनों को कुछ अच्छा गिफ्ट देंगे। आज जो काम करने की सोचेंगे उसे पूरा कर लेंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपकी सभी परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस राशि के भाई बहन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आज पैसों के लेन देन से दूर रहें, सोच समझकर और योजना बनाकर ही आगे बढ़ें। आज कुछ खर्चे फालतू हो सकते हैं। घर परिवार की चिंता बनी रहेगी। दोस्त की मदद से कारोबार की स्थिति अच्छी होगी। आज फोन का ज्यादा इस्तेमाल न करें तो माता जी आप पर कृपालु रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी को पानी पिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चींटियों के बिल के पास त्रिचौली डालें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा ऑफर मिलेगा। मूलांक 2, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति डाउन हो सकती है। मूलांक 3, जीवन साथी के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 4, परिवार में किसी के साथ झगड़ा हो सकता है लेकिन शाम तक सभी लोगों से बातचीत करने लगेंगे। मूलांक 5, आपकी तीव्र बुद्धि और अच्छी संप्रेषण से आपके करियर में आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 6, अकारण आपका मन बेचैन हो सकता है जिससे आप किसी सोच में पड़े रहेंगे। मूलांक 7, आपका मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखेगा। मूलांक 8, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। मूलांक 9, आज आपको किसी काम में छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे फ्लैट खरीदने के बारे में। जमीन की कमी और कुछ अन्य कारणों से फ्लैट का चलन बढ़ता जा रहा है। सुरक्षित जीवन जीने और कम्युनिटी लिविंग की इच्छा रखने वाले लोगों को फ्लैट में रहना बेहतर लगता है। वास्तव में ये जीवन को सुगम बना देता है।
वास्तु के नियम जो किसी स्वतंत्र घर के लिए हैं, वही नियम फ्लैट के लिए भी हैं। लेकिन चूंकि फ्लैट और स्वतंत्र मकान की बनावट में कुछ मूल फर्क होते हैं, जो उन चीजों को भी ध्यान में रख तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए मकान के मेन गेट को ही लीजिए। मेन गेट पूर्व या उत्तर की ओर शुभ माना जाता है, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर अशुभ। फ्लैट में भी वैसा ही होगा, लेकिन स्वतंत्र मकान में गेट के आगे खुली जगह या सड़क होती है, जबकि फ्लैट में मेन गेट के आगे सड़क नहीं होती, खुली या बंद जगह होती है, गैलरी होती है या कहीं कहीं छोटा सा हॉल होता है। अब देखने की बात यह है कि अगर आपके फ्लैट का मुख्य दरवाजा पूर्व की ओर है और वो एक पतली सी गैलरी में खुलता है, या उसके सामने सीधी खड़ी दीवार है, या उसके सामने से सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं, तो पूर्व दिशा में मुख्य दरवाजे होने का कोई फायदा नहीं। वहीं अगर ठीक ऐसी ही स्थिति दक्षिण दिशा में बन रही है तो क्या होगा, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की उदयातिथि तृतीया और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 6:57 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कल रात 8:21 तक रहेगी। यानी कि चतुर्थी तिथि में रात्रि आज ही पड़ेगी, रात्रि का समय आज ही होगा। और आप जानते हैं कि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत रखकर रात को चंद्रोदय के समय व्रत का पारण किया जाता है। बता दूं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का नियम है। बस फर्क केवल इतना है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, लिहाजा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में भगवान श्री गणेश की उपासना बड़ी शुभ फलदायी होगी। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जैसा कि अभी चर्चा की हमने कि इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है, तो बता दूं कि आज रात चंद्रोदय 8:58 पर होगा। इसके अलावा आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि देखिए चंद्रोदय का समय सबसे पहले कलकत्ता में होता है, फिर कलकत्ता के बाद रांची, फिर इधर, मतलब वैसे तो गुवाहाटी में सबसे पहले होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ अभी काशी तक आया। दिल्ली में चंद्रोदय होगा रात 9:32 पे। अब आगे चलते हैं। आज रात 11:12 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष शब्द का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता। आता है इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले कर्म नहीं करना चाहिए। साथ ही आज शाम 6:36 तक स्वाति नक्षत्र रहने वाला है। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति शब्द का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे जीवन में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को स्वाति नक्षत्र के दौरान अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए।
ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज शाम 6:57 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि भद्रा जिस लोक में रहती है उसी लोक में ज्यादा प्रभावी होती है, यानी कि पाताल लोक की इस भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिहाजा अच्छे मुहूर्त में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले हर्षण योग, स्वाति नक्षत्र और पाताल लोक की भद्रा के बारे में। और अब बात करेंगे आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश में हैं, तो आज स्नान आदि के बाद घी में बेसन भूनकर या किसी और से भूनवा लीजिए, उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर प्रसाद तैयार कर फिर भगवान को नमस्कार करके उस प्रसाद का भोग लगाएं। साथ ही भोग लगाने के बाद भगवान श्री गणेश की मूर्ति की परिक्रमा करें। अगर मूर्ति के आसपास इतना स्पेस न हो तो श्री गणेश का ध्यान रखते हुए अपनी जगह पर ही खड़े खड़े 3 बार परिक्रमा कर लें। भगवान तो सब जगह है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह परेशानियों ने ले ली है, तो अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आज श्री गणेश का पूजन करके तिल से हवन करें। आप चाहें तो किसी योग्य पंडित जी से हवन करवा सकते हैं, और अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप स्वयं भी गाय के गोबर से बने कंडे पर सफेद तिलों की 108 आहुति देकर घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी काम में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज गणपति जी के इस मंत्र का, इस सफलता प्राप्ति मंत्र का जप करें। मंत्र है गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और हर बार मंत्र बोलने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो आज 3 गोमती चक्र, नागकेसर का पत्ता और 7 कौड़ियां एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर श्री गणेश का नाम लेते हुए किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में जल्दी ही सुधार आएगा। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और आपके कामों में अड़ंगा डाल रहा है, तो शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आज बाजार से 1 पान का पत्ता लेकर आएं और उस पान के पत्ते को अच्छे से साफ करके उस पर हल्दी से स्वस्तिक, हल्दी से सतिया यानी स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करें और अपने शत्रु का नाम लेते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप प्यार, पैसा और शोहरत, ये तीनों चीजें अपनी जिंदगी में एक साथ पाना चाहते हैं, तो आज भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। ये उच्छिष्ट गणपति मंत्र है। भगवान गणेश के इस उच्छिष्ट गणपति मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र जप करने के पहले पान या लड्डू का भोग गणेश जी को लगाइए और उसके बाद पान या लड्डू खाकर जूठे मुंह से इस मंत्र को पढ़िए। इसीलिए इसको उच्छिष्ट गणपति मंत्र कहा गया है। आज के दिन ऐसा करने से आपको प्यार, पैसा और शोहरत सब कुछ मिलेगा। अगर आप अपने करियर में दिनों दिन सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल लें और उस जल में दूर्वा डालकर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दें, फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस पानी के लोटे को ढककर वहीं भगवान श्री गणेश के सामने रखा रहने दें और शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उस पानी से चंद्रमा को अर्घ दें और हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज काशी में चंद्रोदय का समय रात 8:58 पर है, दिल्ली में 9:32 पर है। तो आज ये उपाय करने से आपको अपने करियर में दिनों दिन सफलता मिलेगी।
अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आज गणेश पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें हल्दी से पीला करके भगवान के चरणों में रख दें और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने धन वाले स्थान पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में जल्द ही सुधार आएगा। अगर आप अपने जीवन की गति को सामान्य रूप से बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की एक साथ ऐसी तस्वीर या पोस्टर घर में लाएं जिसमें तस्वीर के बाईं और दाईं दोनों तरफ हाथी की सूंड उठाए हुए फोटो बनी हो। लेकिन अगर आपको ढूंढने के बाद भी बाजार में ऐसी तस्वीर न मिल पाए तो इंटरनेट से ऐसी फोटो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा कर अपने घर में लगा लें। और अगर आप अपने बिजनेस को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन इसमें आपको किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है तो आज घर के ईशान कोण की अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर एक लकड़ी की चौकी या पाटा स्थापित करें, फिर एक कटोरी में चावल लेकर उन चावलों की सहायता से लकड़ी की चौकी या पाटे पर गणेश जी की आकृति बनाएं, फिर उस आकृति की धूप दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा करें और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के बाद सारी चीजों को ऐसे ही रखा रहने दें। शाम होने पर चावलों को उठाकर अपने पास एक पोटली में बांधकर रख लें और अगले दिन उस पोटली को अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दें। साथ ही बाकी की चीजों को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। अगर आपकी जिंदगी में सुख शांति की जगह उलझने और परेशानियों ने ले ली है तो आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश का गायत्री मंत्र है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए आप बहुत दिनों से जुटे हुए हैं तो अपनी ये विशेष इच्छा पूरी करने के लिए आज श्री गणेश के सामने घी का एक और तेल का एक दीपक जलाएं। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है, देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए होता है। साथ ही ध्यान रहे कि घी के दीपक में सफेद खड़ी बत्ती लगाकर उसे श्री गणेश के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए और तिल के तेल के दीपक में पड़ी हुई लाल बत्ती लगाकर भगवान के बाएं हाथ रखना चाहिए अपने दाहिने हाथ की तरफ और भगवान के बाएं हाथ। और दीपक जलाते समय आपकी जो भी इच्छा हो उसे मन ही मन कहें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज हर्षण योग, स्वाति नक्षत्र, भद्रा और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे, ऐतिहासिक किताबों को पढ़ने में मन लगेगा। बी, परिवार वालों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। सी, आपका मन नए कार्यों को करने में लगेगा जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। डी, आपकी तरक्की में आ रही रुकावटें दूर होंगी, सफलता पाने के लिए बेहतरीन मौके मिलेंगे। ई, वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, परिवार में भाई बहन के साथ खुशियों से भरा जीवन रहेगा। एफ, किसी काम को पूरा करने की कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, इसको आप बखूबी पूरी तरह निभाएंगे। जी, परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुछ मीठा खाने से आपके जीवन में मिठास बढ़ेगी। एच, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आई, घर पर माहौल खुशनुमा बना रहेगा, सभी लोग काफी खुश रहेंगे। जे, आपके आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा।
के घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो तो सावधानी बरतने की जरूरत है, समय पर चेकअप कराएं। एल, किसी करीबी रिश्तेदार से फोन पर बात करेंगे, उनसे आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। एम, पुराने काम में नयापन लाने की कोशिश करेंगे, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एन, विरोधी पक्ष से सावधान रहने की जरूरत है, अपने काम को संभल कर करने में ही भलाई है। ओ, धन प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं, पुराना रुका हुआ पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। पी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। क्यू, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, छोटे मोटे कामों से आपको अच्छा धन लाभ होगा। आर, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को आधुनिक तकनीक का फायदा मिलेगा। एस, परिवार की उलझनें खत्म होंगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। टी, आप नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, आज खुशियां आपके आसपास ही रहेंगी। यू, घर में नया सदस्य शामिल होगा जिसके आने पर जश्न का माहौल बनेगा। वी, संगीत में रुझान रखने वाले कलाकारों को ऑफर मिल सकता है, करियर की नई शुरुआत हो सकती है, अच्छी शुरुआत। डब्ल्यू, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताजे फलों का रस लेना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। एक्स, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। वाई, जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं जिससे जीवन साथी आपसे खुश होंगे। जेड, आर्थिक दृष्टि से परेशानी हो सकती है, धीरे धीरे करके ये परेशानी आपसे दूर हो जाएगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब के अमृतसर। यहाँ स्थापित है प्रसिद्ध सीताराम मंदिर। पहले इस मंदिर को श्री राम आश्रम कहा जाता था। इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के अनन्य भक्त स्वामी श्री राम ने की थी। खास बात यह है कि इस मंदिर में हर दिवाली पर हजारों की संख्या में साधुओं को कंबल बांटे जाते हैं, जिसकी शुरुआत स्वामी श्री राम ने केवल 50 साधुओं से की थी। यहाँ एक धर्मार्थ अस्पताल भी चलाया जाता है, साथ ही जरूरतमंदों के लिए फ्री भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत श्री सीताराम मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे दो ओंट होते हैं, और सामुद्रिक शास्त्र में दोनों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अलग अलग प्रकार की जानकारी मिल सकती है। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऊपरी होंठ के बारे में, जिनकी आकृति पतली होती है। जिनका ऊपरी होंठ आकार में पतला होता है वो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। ये शरीर से चाहे मोटे हों या पतले, लेकिन इनकी ताकत या इनके शरीर की ऊर्जा कम होती है, साथ ही इन लोगों की पाचन शक्ति भी कमजोर होती है। इसके अलावा ये लोग थोड़े चंचल और नटखट किस्म के होते हैं। ये दूसरों के सामने चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं, साथ ही कुछ चीजों के प्रति लालच बनाए रखते हैं। इनके मन में छल कपट बना रहता है। सामुद्रिक शास्त्र में कल हम चर्चा करेंगे मोटे और स्थूल होंठों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 28 मार्च चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज शाम 6:57 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 8:21 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज 2 मुट्ठी गेहूं का आटा और गुड़ दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।